Hey guys, welcome back to our channel. Good morning. और आज है संडे, हम जाएंगे कैंटीन क्योंकि लाएंगे कुछ सामान. संडे फंडे खर्चे करवाते रहते हो. पिछले संडे भी गए थे. नहीं, आज मैं ज्यादा सामान नहीं लाना, थोड़ा सा ही सामान लाना है आज. आज एक दो आइटम लाना है, तो अभी चलते हैं कैंटीन की तरफ क्योंकि मैं लास्ट मंथ ले आई थी. लास्ट मंथ क्या, अभी 15 दिन पहले ही लाए थे. तो ले आई थी, तो आज कुछ नहीं, बस थोड़ा सा क्या लाना है, फॉइल पेपर लाना है और पूजा के लिए घी लाना है. हाँ, एक फॉइल पेपर लाना है, पूजा के लिए घी लाना है, एक लिक्विड सर्फ एक्सेल लाना है. दैट्स ऑल. ठीक है, तो अभी चलते हैं कैंटीन की तरफ और लाते हैं सामान, फिर आपको दिखाएंगे क्या क्या सामान हम लाए. वैसे तो मैं बाहर से मार्केट से भी ले आती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा लालच हो रखा है कैंटीन का सामान भी अच्छा आता है. सामान भी अच्छा आता है, लेकिन जो चीज़ बाहर 100 रुपए की मिलती है वो कैंटीन में 40-50 तक 60 तक मिल जाती है. अच्छा, मतलब इसलिए थोड़ा सा लालच. वैसे तो सभी लालची होते हैं, कोई कहता नहीं, मैं कह रही हूँ सबके सामने. सही है ना, कैंटीन से अच्छा मिलता है, लाना भी चाहिए जब कैंटीन का हमारे पास ऑप्शन है तो. क्योंकि मैं आपका घर बसा रही हूँ ना अच्छे से. चलो चलते, चलो बाय, थोड़ी देर में मिलते हैं कैंटीन जाके. सो गाइज, हमने सामान ले लिया है. मैं हनी को दिखाती हूँ और पीछे कैंटीन को दिखाती हूँ आपको. देखो भीड़ मची हुई है आज तो काफ़ी. हनी ने सामान ले लिया है, ये डब्बा हमने अंदर कैंटीन से ही लिया था. ये पीलो है कवर नहीं सॉरी. तो हमने सारा सामान ले लिया है, हनी इनको पकड़ेंगे ये लोग. अब मैं आपको कैंटीन दिखाती हूँ. यहाँ पे लिकर का भी है, लिकर सेक्शन. इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, फ्रिज, कूलर, एसी, टीवी. इस साइड ग्रोसरी का है बहुत सारे. यार बहुत भीड़ है क्योंकि संडे है ना, इस वजह से. चले अब चले. हे गाइस, हम कैंटीन से आ गए हैं. और आप देखना, अभी जब हम गए थे तो बंटी ने क्या बोला था, आज हमें सिर्फ 2-3 आइटम लाने हैं, 2-3. और ये पूरा बॉक्स भरा हुआ है, ये पूरा बॉक्स सामान का, कैंटीन के सामान का भरा हुआ है. और पूरे 4,500 रुपए का ये सामान है. 3 आइटम बोल के गई थी कि आपको क्या क्या लाना था, फॉइल पेपर, धूप और सर्फ एक्सेल लिक्विड. अब देखना आप क्या क्या आइटम है. स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. करो स्टार्ट. ये मेरे फेवरेट. ये पिल्लो कवर है, पिल्लो है, छोटे पिल्लो, दो पिल्लो है, छोटे. ये बंटी को चाहिए थे, इसके साथ में है बेडशीट. बड़े वाले ऑलरेडी है मेरे पास, दो छोटे लाने थे मुझे, तो छोटे ले आए. उसके बाद जो मेरा बहुत 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 ड्रीम था, मुझे कहीं मिल नहीं रही थी, ठीक है, फाइनली वो मुझे जाके कैंटीन में मिल गई. वैसे सब लोग चाहते हैं, उनके पास ये चीज़ होनी चाहिए, तो मैं भी ये चाहती थी, ठीक है. तो मैं दिखाती हूँ, ये व्हाइट बेड शीट है, डबल बेड की, काफी अच्छी है, पूरा साइज भी अच्छा है, कपड़ा भी अच्छा है, देखो बहुत अच्छी है. मतलब ये आ गया ना, तो अगर 5,000 का भी नुकसान हो जाए ना, तो मुझे कोई इनको नहीं है, क्योंकि मेरा काफी टाइम से ढूंढ रहे थे, बट ये व्हाइट मिल नहीं रही थी. बहुत मन था मेरा, और कहीं मिल भी रही थी ना, तो बहुत एक्सपेंसिव मिल रही थी, कहीं 2,500, कहीं 3,000. लेकिन आ गए व्हाइट पिलो, व्हाइट बेड शीट, बस अब कुछ नहीं चाहिए मुझे जिंदगी में. इसके बाद हमारा ये होगा आइटम ओपन. तो अभी मैं आपको वन बाय वन दिखाता हूँ क्या क्या आइटम इस बॉक्स में है, क्या क्या हम लाए हैं, उसमें से क्या यूज का है, क्या बेफालतू का है, आप बताना. सारा हनी का आइटम. अब पता लग जाएगा कि इसका क्या आइटम है. सबसे पहले काला हिट, कॉकरोच के लिए ये तो दोनों के काम का ही है, क्योंकि कॉकरोच से दोनों को परेशानी. अच्छा, ये किसका है? ये प्रोटीन एक्स है, इसको आप भी पी सकते हो. मैं पीती नहीं हूँ, मैं सबको बता रही हूँ. पीता तो मैं भी नहीं हूँ, मैं पहली बार लाया हूँ, ट्राई करेंगे. मैं प्रोटीन पीती नहीं हूँ क्योंकि प्रोटीन अच्छा होता है पीने के लिए. और बिल में सबसे महंगी चीज इन्हीं की है, ठीक है, ये बेडशीट और पिलो को. ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट आइटम ये किसका है? ये व्हाइट मखाना. एक मिनट, एक मेरा था और इन्होंने बोला कि एक मुझे भी चाहिए. दोनों आपके हैं, मखाने आप बड़े मेरा फेवरेट. मैं लंच बॉक्स में दिखा दूंगी किसके में मिलेंगे ट्राई करके. मखाना, उसके बाद ये तो आपको लाना ही था, ये सर्फ एक्सेल है. और ये भी मेरा अकेले का नहीं है, दोनों के कपड़े धुलेंगे. आप पागल हैं क्या? बर्तन साफ करने के लिए दोनों खाना खाएंगे तो साफ होंगे बर्तन. ये है एक छोले मसाला, क्योंकि हमें आज शाम को बनाने हैं छोले कुलचे. वो भी इनकी डिमांड है. सब कुछ मेरी डिमांड है, आपकी तो कोई नहीं है. ये मेरा है, ये मैं अपने लिए लाया. ठीक है, क्योंकि इस पे मसाला लिखा था, सब लोगों को पता है मैं मसाला खाती नहीं हूँ. ये हमारी सीएफएल खराब हो गई थी, इसलिए एक सीएफएल लेके आए हैं. ये कुछ बिस्किट्स हैं, ये आर्यन के लिए. आर्यन के लिए है इसको, मैं हाँ ये बोल सकती हूँ मेरा है, क्योंकि मैं आर्यन के लिए आई हूँ, क्योंकि आर्यन मेरी साड़ी वो करवाता है ना, इसलिए. ये चाय पत्ती का एक छोटा सा पैकेट, हम चाय वैसे बहुत कम पीते हैं, तो लेकिन कोई आ जाए उसके लिए. हाँ, क्या था? और ये आर्यन के लिए, ठीक है. और भी है आर्यन के लिए कुछ,
तो चॉकलेट के जितने भी आइटम्स हैं ये सब आर्यन के लिए, ये मुझे छुपा के रखने पड़ेंगे क्योंकि हनी छोड़ेंगे नहीं, हनी चॉकलेट लवर है। और ये 10 बिस्किट के पैकेट हैं, ये हमारे लिए हैं, हम भी खाएंगे, और इनमें से 5 बिस्किट पापा जी के लिए रख देंगे। अरे वाइट वाले हैं, देखो अब की बार मैंने बोला था वाइट लाऊंगी। वाओ, ये 10 पैकेट है पूरे, इनको मत छेड़ना, बाकी सब कुछ खा लेना। ये कुछ नया था, नया दिखा हमें, इसलिए लेके आए हैं ट्राई करने के लिए। ये है कोटेड ग्रीन पीस। एक मिनट, मैं भूल गई थी, हनी लाया, मैं बिस्किट नहीं खाती, तो ये भी हनी के लिए। और ये भी मसाले वाले हैं, ये भी हनी के लिए। ये भुजिया, आलू भुजिया, ये तो आप खाओगे। ये बर्तन सफाई करने के लिए, विम बार, ये घर के लिए बर्तन साफ के लिए। और ये जोत का घी का डब्बा, दो हैं ये, एक घर के लिए एक हमारे लिए। ये हल्का फुल्का, ये बंटी के लिए है, एक मेरे लिए एक इनके लिए। झूठ बोल रहे हैं, अगर मैं कोई चीज लाई तो बराबर की चीज लाए। ये बंटी ये किसी को ऑफिस में देने के लिए लाई है, किसी ने मंगवाया था, ये किसी ने मंगवाया था मेरे से। और ये तो आप ही लाए हो, मैं ऑरेंज वाली ले रहा था, इन्होंने ये वाला लिया। गाइस मैं सच बता रही हूँ, ये खाते हुए मैं इनको दिखाऊंगी, इनकी खाऊंगा भाई, तो जो चीज खुलेगी वो तो खाऊंगा ना, खाने की चीजें तो खाई जाएगी। तो बंटी का नाम क्यों ले रहे हो, लाए आप अभी। और ये ओ ये है वो जड जिसकी वजह से 4,500 रुपए, इसकी वजह से हम स्पेशल कैंटीन गए थे फॉइल पेपर की वजह से, क्योंकि हमारा खत्म होने वाला है, थोड़ा सा बचा है। अभी तीन ले आए क्योंकि एक बिस्किट का पैकेट और बच गया है, ये ट्रीट वाला, ये तो मैं खा लूंगा। ये मेरे लिए है, आप खा लेना ठीक है। ये धूप है, छोटी धूप, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, काफी अच्छा। किसी भी चीज को अच्छी बनाने के लिए हींग ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारे पास सोप थे, फिर भी हम दो बार सोप ले आए संतूर के, काफी अच्छे साबुन है। और इट्स फिनिश, और इतना सा आइटम 4,500 रुपए का खर्च। ये तो आपका बस फेवरेट है, इनको ही देख के खुश हो गई, बट फिर मैंने देखा कितना खर्चा हुआ कितना नहीं हुआ। मेरी एनिवर्सरी आ रही है, उसके बाद दिखाऊंगी मैं इनका यूज, ठीक है। वो थोड़ा हनी के लिए सरप्राइज है, अब ये नहीं पता हनी मुझे देंगे या मैं ही दूंगी। ये सब डेकोरेशन का काम आपका, मेरे को नहीं आता है। तो फाइनली हम तो कैंटीन से इतना सामान है वो ले आए, 4,500 रुपये संडे के दिन हमने खर्च कर दिए। अब आपको ठंडक मिल गई, मिल गया आपको सुकून। ये तीन चीजें आ गई तो मुझे सुकून है, मुझे अगर ये तीन चीजें नहीं आती ना 4,500 समझो मेरे अंदर तक मतलब तन बदन में आग लग जाती। चिल। तो फाइनली सारा सामान अनबॉक्स कर दिया आपके सामने, अब आप कमेंट कर देता हूँ किसका सामान ज्यादा था, किसने ज्यादा खर्चा किया, वो तो मैंने वो पता लग जाए। आप कुछ नहीं बोलोगे, वो पता लग जाएगा। अभी इस सामान को सेट करते हैं गाइस। हर आइटम पे मैंने बताया था कि आपको ये किसके लिए है, सच बोलना, अगर कमेंट में बोलो ना तो प्लीज सच बोलना, ठीक है। वो तो पता लग जाएगा, अभी इसको सेट करते हैं। नहीं देखो मैं दिखाती हूँ, इनका फैला रहा, अब पूरे दिन लग जाएगा मुझे इनको सेट करने के लिए। हाँ तो ये तो रखोगे ना, कहाँ किचन का सामान किचन में रखोगे, देखो फैला रहा फैलाया रखोगे फाइनली। और ये देखो ऐसे फैला दिया, अब बंटी सेट करेगी इसको, रखेगी कहाँ आइटम, क्या क्या आइटम कहाँ रखना है, किचन का किचन में रखोगी, खाने पीने का अपनी अलमीरा में रखोगे, और अपना बेडशीट आप देख लेना कहाँ पे रखोगे। तो फ्रेंड्स ये इतना सामान हम लेके आए हैं कैंटीन से, और इतना खर्च कर दिया संडे के दिन। ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट करके ये बात ज़रूर बताना कि किसने ज़्यादा खर्च करवाया, और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।